हमें राही प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते, नज़ारे देखो नज़ारे। अटल टनल है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और हम रुके थे सारी तैयारियां करने के लिए, अटल टनल पहुँच रहे हैं। अटल टनल अपने आप में ही एक फेस्टिवल की तरह काम कर रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं हमारे साथ? तो आज है हमारा डे फाइव ऑफ लेह लद्दाख जर्नी और सुबह के बज रहे हैं 7 बज गए हैं। आज हमें टाइम से निकलना था, सब टाइम से उठे हैं, सब चीज़ें हैं और आज हम निकलेंगे अटल टनल के लिए। उसके आगे जाएंगे हम सरचू तक, वहाँ पर हम करेंगे स्टे। तो शुरुआत हो चुकी है, सुबह हो चुकी है और बहुत ही शानदार सुबह है, दिखाऊँ क्या? ये है यहाँ पे नदी जा रही है और रिवर साइड हम लोगों ने यहाँ पे टेंट किए थे और ये है हमारा रिसॉर्ट जहाँ पे हमारे टेंट लगे हुए हैं। भाई रात में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के और एकदम रिफ्रेश हो गए, क्योंकि जब आप लोग नेचर से जुड़ते हैं ना तो नेचर के साथ जुड़ने के बाद मज़ा आ जाता है और नींद भी इतनी अच्छी आती है कि सुबह भी मतलब यहाँ पे नदी की आवाज़ आ रही होती है, चिड़िया और अलग अलग, मतलब आपको एकदम परफेक्ट मॉर्निंग अगर देखनी हो तो आप किसी रिसोर्ट में आके रुकें, ऐसे ही टेंट लें, उसी में आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। सो ऑल सेट, रेडी हो चुके हैं, सामान बन चुका है हमारा, लगेज हमारे पास है, टैंक बैग पीछे टंगा हुआ है, जनता रेडी हो चुकी है, चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और टाइम हो रखा है 8, आज भी हो चुके हैं लेट, तो ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। जनता बैठी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जनता फुल लपेट रही है नाश्ता। पोहे, सैंडविच, पराठे, दही, वाह 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 वाह, चाय भी मिल जाएगी, ये तो ड्रीम ब्रेकफास्ट जो कि अब मिलेगा नहीं, अब नहीं मिलेगा, ये लास्ट है। चलो भाई हम भी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद निकलना है और सभी लोग यहाँ पे फुल दबा के नाश्ता करने वाले हैं आज, क्योंकि आखिरी बार मिल रहा है ऐसा नाश्ता लद्दाख जाने तक, उसके बाद देखो कब मिलेगा। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं अपनी बाइक्स पे और सामान रख रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, सो हम लोगों ने मनाली में होस्ट किया बाइक को। अब तो मिलते रहेंगे, ओके थैंक यू भैया, शानदार मजा आया आपसे मिलके। हमें भी। अब जयपुर आएंगे तो आप होस्ट करने आओ। बिल्कुल। अब साइकिल उठा के रॉयल इनफील्ड जाने वाले हैं, साइकिल बेच के रॉयल इनफील्ड आप लोगों का। चलिए ठीक है, ओके भैया, ओके बाय बाय। तो यहाँ पे हमने ले ली है अलविदा। दिस इज द डे 5 ऑफ आवर जर्नी, जो कि जर्नी है लद्दाख तक की, लद्दाख से कश्मीर, कश्मीर से अमृतसर, अमृतसर से वापस दिल्ली, दिल्ली से वापस निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। ओके चलते हैं, या अल्लाह कर मदद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें लेना है फ्यूल, फ्यूल लेने के बाद चलेंगे हम अटल टनल। ओह माय गुडनेस, ये पुल जितना हिल रहा है ना उससे ज़्यादा हम हिल जाएंगे यहाँ पे अभी। क्या बनावट है यार, मतलब इतनी बड़ी, ट्रैवलर का भी वज़न एकदम मज़े में। अब ये नया पुल बन रहा है, उसके बाद इसके मज़े कम हो जाएंगे थोड़े, इस पे से पब्लिक नहीं निकला करेगी, फिर
फिर पब्लिक निकला करेगी उस पे से, और पैदल ज़्यादा निकला करेंगे लोग। चलो आए हाय, ये तो ट्रेन वाली फीलिंग है, टुक 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 टुक। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चलो आगे, मेरी फटरी है यहाँ पे, एकदम डरप लग रहा है। रे बावा, यहाँ बीच में क्या रोक दिए हो तुम। चलो 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 चलो, पार कर लिया पार कर लिया। भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप किधर है? इधर आगे नहीं है, नीचे ही है। ठीक है, हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे, फ्यूल फिल करवाना है, और फ्यूल फिल करवाने के बाद हमें अटल टनल जाना है। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं मनाली से, यहाँ से है 12,139 किलोमीटर्स, और हमें जाना है सरचू, जो कि अभी तक उसका मतलब साइन बोर्ड आया नहीं है, इंडिकेटर अभी तक दिखा नहीं है, आगे ज़रूर दिख जाएगा। अब चल रहे हैं हम घाटी पे, घाट सेक्शन इज ऑन बेबी। वाओ, कल तक हम वहीं तक आए थे, आज वहाँ से आगे निकले हैं, तो अब चलते हैं हम अटल टनल की तरफ। आई एम करविशियस, ड्राइव स्लो। यहाँ पे ना ये BRO जो है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे साइन बोर्ड लगा रखे हैं। मैं आपको एक एक साइन बोर्ड पढ़ के बताऊँगा, जो भी रास्ते में मिलता है अभी हमें। बहुत क्रिएटिविटी है, मतलब मज़ा आ गया। जैसे कि यहाँ पे फील द कर्व्स, डोंट टेस्ट देम। वाओ, वी आर ऑन ड्यूटी सो दैट यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ ए हाईवे, नोट ए रनवे। वाओ, मतलब ज़्यादा भगाओ मत। सोलांग वैली है 5 किलोमीटर, अटल टनल है 17 किलोमीटर, रोहतांगला 44, दारचा 92, बारालाचा 137, एंड फाइनल डेस्टिनेशन ले 421 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो शानदार, मज़ा आने वाला है। लेह लद्दाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक हमारे किलोमीटर्स कितने हो चुके हैं, 1213.5, मतलब 1213 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक, और अभी और लंबा चलना है। 10:32 हो रहे हैं, हमें चलना है अटल टनल। मे बी पॉसिबल एक घंटा और लगे, या आधा घंटा और लग सकता है अटल टनल पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक है थोड़ा और रोड भी थोड़े से कर्वी हैं। तो जैसा कि अभी BRO ने लिखा था, आई एम करविशियस, ड्राइव एंड राइड केयरफुली। ओके, नया बोर्ड आया है, दारचा 89, सोलांग वैली 3, अटल टनल 14 किलोमीटर, केलोंग 57, स्टिंगरी 65, नीमू वायले 457, और ये पहला यहाँ पे लोहे का पुल। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इस पुल से तो मैं गुजरा हूँ पहले, बस वो शायद तक वाया कहीं और से आया हूँगा मैं। शानदार रास्ते हैं, और BRO की क्रिएटिविटी भी है यहाँ पे। इसमें से एक पहली सुरंग, आधी सुरंग, सेमी सुरंग बोल सकते हैं इसको, सेमी सुरंग में से हम निकले हैं। अब आई सबसे लंबी सुरंग भारत की, और शायद तक वो दुनिया की भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबी है अप्रॉक्स अटल टनल। काफ़ी सारी हिमालयन उतर रही हैं ऊपर से नीचे, और हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। ओ वाओ, ये घना जंगल, ये पेड़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं मुझे पहाड़ों के अंदर। इधर कैंपिंग करो, ट्रैकिंग करो, मज़ा आ जाता है। डिस्कवरी चैनल की ये है बोलेरो पिकअप, नेट जियो वाइल्ड, शानदार। ओ वाओ, यहाँ से दिख रहा है ना नज़ारा। चल पड़े हैं सब हम राही, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। नज़ारे देखो, नज़ारे, अटल टनल है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर,
और हम रुके थे सारी तैयारियां करने के लिए, अटल टनल पहुंच रहे हैं। अटल टनल अपने आप में ही एक फेस्टिवल की तरह काम कर रहा है। हाँ वैभव भैया बोल रहे हैं, मैं सबसे आगे जा रहा हूँ। तो अटल टनल का जो फेस्टिवल है वो होने वाला है शुरू। पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले भी यहाँ घूमते हैं क्लासिक पे, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अटल टनल के यहाँ पे अभी रुक गए हैं सभी लोग। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अटल टनल, द माइटी अटल टनल, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एल्टीट्यूड 10,040 feet। काफ़ी पुलिस है यहाँ पे फॉर द चेकिंग ऑफ व्हीकल्स। और हम एंटर करने जा रहे हैं अटल टनल। यो वेब्स, अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल, एल्टीट्यूड 10,040 feet। यो एंटरिंग द अटल टनल फॉर द फर्स्ट टाइम। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। Oh, living the moment, the dream ride is on. सही में यार कसम से, this is the dream ride. मैंने अपने मतलब अभी recently तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं अटल टनल पे पहुंच जाऊंगा, वो भी अपनी थंडरबर्ड लेके। अरे थंडरबर्ड को तो मैं अपनी शाबाशी दूंगा, हेड्स ऑफ टू थंडरबर्ड। मतलब नजर ना लगे, थूकना पड़ेगा इस पे थोड़ा सा अभी रुक कर। बीस्ट है भाई, थंडर बर्ड इज बीस्ट। अभी हमारे पीछे दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं है, आगे भी दूर दूर तक कोई साधन नहीं है, हम चल रहे हैं सोलो। दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर एवर एंड एवर। दिस इज द प्योर सिविल इंजीनियरिंग मार्वल, अटल टनल। ओ माय गुडनेस, अटल टनल का अंत हो चुका है यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं टू द एग्जिट ऑफ अटल टनल। ये है शानदार अटल टनल। हाँ मज़ा आ गया, वाह वाह मज़ा आ गया। तो अटल टनल को अलविदा, टाटा बाय बाय अटल टनल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं सरचू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह कर मदद। पहाड़ों में बर्फ़ है और अब तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी के अंदर भी बर्फ़ आ चुकी है। शानदार नज़ारों के बीच आ चुका है मेरा फेवरेट पुल। ये पुल मुझे बहुत शानदार लगते हैं, मतलब इनकी अलग ही फीलिंग आती है। हमें चलना है लेह की तरफ 396 किलोमीटर्स, और रोहतांग ला है 27 किलोमीटर यहाँ से, काजा है 144, सुमड़ो है 218 किलोमीटर। अब बताओ किधर चलना है। यहाँ पे देखो बर्फ़ है, और ये जो बर्फ़ पिघल रही है यही नदी में मिलती जाती है, और नदी का फ्लो बढ़ता जाता है। सिस्सू यहाँ से है 4 किलोमीटर्स, केलोंग 37, उदयपुर, और अब बहस की उदयपुर आ गया यहाँ तो 75 किलोमीटर, दारचा 67, ले 396। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन द सर्विस ऑफ नेशन। शानदार यार, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही हमें इतनी शानदार ये वादियाँ, ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अगर वो लोग ये रोड्स नहीं बनाते तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता। SADA डेवलपमेंट फ़ी बैरियर यहाँ पे देनी पड़ती है थोड़ी बहुत फ़ी, लेकिन वो देनी पड़ती है फोर व्हीलर्स को। हम हैं टू व्हीलर पे, तो हमारा हुआ है बहुत फ़ायदा हुआ। ये है कि ना तो टोल लगा है अभी तक, ना ये फी लगी है। रुकी हुई है पब्लिक और अपन चले हैं आगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोमेंट हो चुका है हमारा ये।
यहाँ पे आने का मकसद जो था भाई, ये चल रही है ना, नदी चल रही है, सड़क चल रही है, साथ में सब चल रहे हैं। कैसा चल रहा है बाबा? वैभव भैया एकदम फुल मूड में आ चुके हैं। सो हम यहाँ पे रुके थे फ्यूल फिल करवाने के लिए, जेरी कैन भी फिल करवा लिया हमने, और ये है केलोंग का पेट्रोल पंप। इसके बाद आपको सीधा कारू में मिलेगा पेट्रोल पंप, जो कि 365 किलोमीटर्स अहेड है। तो आप अपनी बाइक वाइक यहाँ से ही फुल करवा लें, जेरी कैन भरवानी हो तो भरवा लें, उससे आपको एक अच्छी सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड रहेगा जब आप राइड करेंगे। तो ड्राइव स्लो, इट्स ए हाईवे नॉट ए रनवे, द कोटेशंस, मतलब बीआरओ को कोटेशंस के लिए भी एक अलग से वो मिलना चाहिए, सम्मान और उपाधि मिलनी चाहिए। इतने अच्छे कोटेशंस तो बड़े बड़े जो मतलब इन्फ्लुएंसर होते होंगे या जो लोग हैं जो कि ये सब राइटिंग करते हैं, पोएट्री लिखते हैं, वो भी नहीं कर पाते होंगे। उतने अच्छे अच्छे कोट्स लिख रखे हैं यहाँ पर बीआरओ ने। हिमाचल की प्रगति सीमा सड़क संगठन, और मैंने आपको बताया था रास्ते में हमें ये चीज़ें बहुत मिलने वाली हैं, थम्स अप या फिर विक्ट्री। तो थम्स अप तो शुरू हो चुके हैं और काफ़ी देर से शुरू हो चुके हैं, पहले से ही मनाली से भी हमें काफ़ी लोगों ने थम्स अप किया था, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। दिस सिग्निफाइज द ब्रदरहुड ऑफ बाइकर्स और राइडर्स। हमें जाना है सरचू, और पहाड़ों में मेरा बसेरा है। एक और नया पेट्रोल पंप बन रहा है यहाँ पे केलोंग में, मतलब आपको दो पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। अब अगर आप वहाँ वाला मिस कर देंगे तो आपको जो केलोंग मेन मार्केट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओ वाह, व्हाट ए व्यू मैन, एक्सट्रीम, सुपर से ऊपर माहौल यहाँ पे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्योंकि शानदार तो ट्रिप है ही, ज़बरदस्त हम लोग हैं, और जिंदाबाद इस जज्बे को, जो जज्बा हम लोगों ने दिखाया है यहाँ आने का, और इन पहाड़ों को देखिए भाई भाई भाई, कैसे कैसे जाएंगे वापस राजस्थान, कैसे जाएंगे वापस राजस्थान, यही मैं सोच रहा हूँ। अभी तो वहाँ पे वापस से प्रचंड गर्मी को झेलना है। ओ वाओ, खतरनाक नज़ारे, हिमालया, ये हैं द ग्रेट हिमालयाज, और यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक नज़ारे। ओ भाई, हेवन, हेल और मदर अर्थ, द चॉइस इज yours। ओ वाओ, दिल को छू लेने वाला कोटेशन। स्टीप डिक्लाइन अहेड, चेक योर ब्रेक्स, ड्राइव केयरफुली, ब्रेक्स बाबा, ब्रेक्स, ब्रेक्स चेक करो रे। ये कुलदीप या कुलदीप ले रहा है गलत गलत टर्न। भाई मैं नहीं चल रहा तुम्हारे पीछे, ना की आँख, ये कुलदीप तो अभी मरवा देता। गेमूर, गेमूर हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे एक विलेज है छोटा सा, और यहाँ पे पदम होम स्टे इन ढाबा, बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पे। और ये एक और नया पहाड़ बर्फ़ वाला, अभी तक जो देख रहे थे वो पुराने पुराने थे, अब नई नए पहाड़ आ गए हैं बर्फ़ के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैंपिंग हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकते होंगे। गेमूर हॉलीडेज कैंप, गेमूर। बीआरओ का जो लोगो है ये भी शानदार है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पे रुकने का बोल रहे हैं वसीम भाई। ओके, ऑफ रोडिंग करके नीचे चलने को बोल रहे हैं। चलो भाई, चलते हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, फोटो खिंचवाते हैं। अरे हे लाला, यहाँ पे तो इन्होंने वाटर क्रॉसिंग चालू कर दी है। क्या बात है दादा, वाटर क्रॉसिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ वाटर क्रॉसिंग। आए हाय, आए हाय, आए हाय, क्या तो नज़ारे हैं। और नेचर की कॉल भी आ रही है, नेचर्स कॉलिंग। ओ, तो रुक गए हैं यहाँ पे हम ऑफ ट्रैक आकर। वैभव भैया, ओ वैभव भैया का भी गोप्रो चल रहा है। यो 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 वसीम बा, वसीम बा, जुनैद बा, क्या हाल चाल है और खैरियत? चल। और कुलदीप दादा क्या कर रहे हो तुम, कैसे गाड़ी एकदम ब्रेक लगा देते हो फटाफट? वो रॉन्ग साइड में नहीं थी, तुम रॉन्ग साइड में थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान रखो। चाय और मैगी, नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है और झूठ बोलना पाप, इसकी माँ का टूटूला। यहाँ पे आज मतलब अभी हम चल रहे हैं लद्दाख और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम है टूटूला। जैसे उमलिंग ला है, खारडूंग ला है, नहीं नहीं ये तो अभी यार हिमाचल ही है। चलो अब हम यहाँ पे बनाने वाले मैगी और चाय वाय जो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं मैगी ब्रेक के लिए और यहाँ से दारचा है 1 किलोमीटर। हमने लगाई है रिवर साइड बाइक्स, यहाँ पे खड़ी हैं हमारी बाइक्स और ये खुली हुई है हमारी तिजोरी, इसको बंद कर देते हैं। सारा सामान है इसके अंदर, टैंक बैग के अंदर। मेरी बाइक है, ये है वैभव भैया की बाइक, वसीम भाई, वसीम भाई अलग पता नहीं जाने क्या चम्मच के लिए उन्होंने पूरी सल्तनत उजाड़ दी है यहाँ पे। और ये दो हिमालयन घड़ी हैं, एक खड़ी है कुलदीप की, एक खड़ी है जुनैद भाई की। यहाँ पे देखो मैगी सूत रही है पब्लिक, ये है कुलदीप भाई। अरे भाई की कसम, अरे माँ की आँख, अरे भैंस का बीन, ये कौन सा पास है? टूटूला पास नहीं, अभी हम लद्दाख थोड़ी पहुँचे हैं भाई, हिमाचल में नहीं है ऐसा कोई पास। हाँ भाई, क्या क्या जान लो, टेस्ट करो, देखो मेहनत। टेस्ट के हाथ से करूँगा क्या मैं? क्यों ना उसी का। अरे यार स्क्रीन आ गई, अब इतना बड़ा ही खाओगे तुझे स्पीड से हम खा रहे हैं ये बात। हाउ्स द टेस्ट? गाड़ी वाली नहीं, रुको तो भाई, लुफ्त उठाने तो दो, जरा अंदर जाने तो दो, दांत पे लगने तो दो भाई। मतलब दिल जीत गया तुम लोगों ने मैगी से, ऐसा लग रहा है कि इस चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनी है मैगी भाई। मुझे तो ऐसा लगता है इंग्रेडिएंट इस पानी का है, ये पानी में कुछ तो था तो पानी। यस, वेरी राइट, पानी में किसी ने नमक मिला है पीछे, वहां से नमक आया है ये नेचुरल नमक पीछे। और दिल चीर के देखो मेरा, दिल चीर के देखो मेरा, मैगी का नाम लिखा होगा। बहुत सुखला था ये मैगी का नाम लिखा। यहाँ फालतू बकचोदी चल रही है, बकचोदी बकचोदी में भैंस की आंख मैगी खत्म हो गई है और हमारा पेट में अभी तक भरो। सो वी आर ऑन द वे, हमने लगा दिए हैं लद्दाख के फ्लैग्स भी हमारी बाइक पे और ये शानदार पुल, वहाँ नीचे खड़े थे हम और अब आ चुके हैं ऊपर। और
हमारी राइड वापस स्टार्ट हो चुकी है। सरचू यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है। अभी हम दारचा पहुँचे हैं। दारचा के बाद अब आगे एक दो गांव और आएंगे, कहीं ना कहीं हम वापस रुकेंगे। हवा का रुख बहुत ज़्यादा तेज़ है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पे रोक लिया है हमें एंट्री के लिए पुलिस चेक पोस्ट दारचा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। ओके, सो यहाँ चेक पोस्ट पे आपको अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, नाम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये चीज़ लिखवानी पड़ती है। इससे क्या इन लोगों के पास रिकॉर्ड रहता है आपका, आप लोग निकले हो यहाँ से, और अच्छा भी है फॉर ट्रेसिंग यू। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ट्रेस करने में आसानी रहे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लिखवाना बहुत ज़रूरी है। और आज है डे 5 हमारी जर्नी का। आप लोगों से बहुत 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 गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, से ही हमें और आगे कुछ ना कुछ करने में, वीडियोस बनाने में, व्लॉग्स बनाने में इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर विथ एवरीवन। मतलब जो लोग जाना चाहते हैं, लद्दाख जाना चाहते हैं, ड्रीम है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है इस वीडियो को देख के। न्यू हाइट्स, न्यू डेस्टिनेशंस, न्यू वी, न्यू अस, सब कुछ नया है यहाँ पे भाई। एकदम दुनिया ही बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, और इंसान भी बदल जाता है यहाँ पे आके। तो हम रुके हैं यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के लिए। दीपक ताल है ये जगह, कुछ कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी, बहुत ही छोटी पेंगोंग लेक है ये। और ये है यहाँ पे आर्मी बेस कैंप। आए हाय, नज़ारे नज़ारे, दिस इज द आर्मी बेस कैंप राइनो कैफे, जेड जेड सोजीला बार। और प्रॉपर लद्दाख वाले रास्ते की फीलिंग है भाई। देखो आगे हैं पहाड़, नीचे हैं हम, और नदियाँ, मतलब फुल नेचर, नेचर के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं हम भी। अरे अरे, ये देखो ये बड़ी स्नो, यहाँ पे भी है स्नो, और ये रही बिल्कुल पास में हमारे स्नो, आपको दिखा दी है मैंने अब तो। आए हाय शानदार भाई, गजब कहर। ओ वाव, ये आ गई ना बर्फ 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 बर्फ। यहाँ की बर्फ अभी तक नहीं पिघली है, और शानदार मोटी परत है ये देखिए बर्फ। बर्फ के नज़दीक से निकलते हुए नज़ारे तो देखो बाबा, नज़ारे, अपवर्ड स्लोप, डोंट ओवरटेक। ओके ओके, अरे हवा तो देखो बाबा, हवा क्या चल रही है, और ये देखिए बर्फ पिघल रही है, पानी आ रहा है। ओ वाव, एकदम सफ़ेद बर्फ, बर्फ की ठंडक यहाँ तक महसूस हो रही है मुझे, अलग ही ठंड। ये बर्फ के पास से निकल रहे हैं, अलग ही ठंड ठंड ठंड, कूल कूल, ऐसा लग रहा है फ्रिज में बैठ गए हैं हम। और मैंने उतार दिए वापस ग्लव्स, और ग्लव्स उतारते ही वापस आ गई है मुझे मज़े एकदम ठंड के।
सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सरचू। वक्त हो रहा है 5:25 और हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से सरचू की तरफ। अरे वाह क्या वैली है भाई, दिख रहे होंगे नज़ारे आपको, इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए। किलोमीटर्स आज हम, अभी मैंने पढ़ा था वहाँ पे, हम मनाली से ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। ये हसी वादियाँ, ओके टर्न आ चुका है, करवी करवी टर्न। दोनों तरफ बर्फ, इधर भी और इधर भी, और ये देखो छोटे छोटे बर्फ के टीले बने हुए हैं यहाँ पे, वो भी नेचुरल, किसी ने बनाए नहीं है इनको। और ये हुई ना बात, एकदम बर्फ की सुरंग आती हुई बीच में। एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर मोटर जोन सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, इतनी शानदार बर्फ दिखा रहा हूँ आपको मैं। और ये यहाँ पे है थोड़ा सा ख़राब रास्ता, हम इधर से ले लेते हैं भाई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ओके ओके बर्फ तो पिंगल गई है। ओ भाई यहाँ पे पानी जमा हुआ है, पानी, फ्रीजिंग वाटर। सुपर सुपर ऑफ रोडिंग ट्रैक के मज़े। और यहाँ पे फंस गया है एक ट्रक, ट्रक को चढ़ने में हो रही है दिक्कत, धक्का लगाएं क्या बाबा भाई, हमें जान दे बाबा भाई 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 भाई, हम जाएं हम निकल गए। गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है राजस्थान से निकले थे, मतलब चंडीगढ़ तक भी, मनाली से निकले हैं और एकदम डबल जज्बात बदल गए हैं, तो डबल ट्रिपल जज्बात। ओ वाओ व्हाट ए व्यू, ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। यार इतनी बर्फ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी यार, इतना शानदार नज़ारा है कि बस क्या बताऊं दी। ये रास्ते तो ड्रीम वाले रास्ते थे यार, रील्स में देखता था मैं, ईसा भाई, ईसा खान की रील्स में, जब मैं सोचता था यार ये रास्ते होते कहाँ होंगे, अब दिख गए हैं ये रास्ते। और ये बर्फ़ की जो ठंडक है ना, इससे उंगलियां जो हैं बिल्कुल जम चुकी हैं, मतलब जम क्या, बिल्कुल खून बहुत ज़्यादा। बारालाचा पास एल्टीट्यूड 4850 meters। ओके अरे ट्रक की भी गर्मी नहीं आ रही है यार अंदर, उंगलियां बहुत ज़्यादा जम गई हैं मेरी। हाँ आई थिंक ये है बारालाचा पास। ओह फिश मैन, निकले ओके निकलो। अरे वाटर, अरे ये कहाँ चढ़ा दिया भाई इसने, ओ माको टूटूला, ये तो ट्रक फिसल गया दिखे, रिपस गया है।
और हमें भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाने हैं वरना हम भी रिपस जाएंगे ऐसे ही। यहाँ पे थोड़े ब्रेक्स का ध्यान ही रखना भाई, अभी थोड़ा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी है और पानी भी है, दोनों चीज़ें हैं। फुल फ्लैश ऑफ रोडिंग ट्रैक आया है बीच में। और ये ब्रेक 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 ब्रेक, अरे हाय, ये है ना मज़ेदार ऑफ रोडिंग ट्रैक। निकालो अब यहाँ से लाला, ये हुई ना कुछ बात, धमाकेदार धमाकेदार थंडरबर्ड, ये दिल जीत लिया, दिल जीत लिया है आपने थंडरबर्ड हमारा, मजेदार एकदम। कुलदीप भी निकल गया है वहां से, भाई ऑक्सीजन कम होती जा रही है और हमारे हाथ भी जमते ही जा रहे हैं। अब थोड़ा सा थोड़ी सी रिलीफ मिली है, मुझे लगता है इधर बर्फ कम है थोड़ी, इस वजह से हाथों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। ओए होए, यहाँ पे आया है एक शानदार नज़ारा, इस नज़ारे को कैद करेंगे हम हमारे कैमरे में, और हमारे ब्रेक लग रहे हैं फीसल फीसल के, फचर फचर आवाज़ आ रही है पीछे से, शानदार भाई। बर्फ़ की परत तो देखो तुम भाई, 15-20 फीट की परत है यहाँ पे बर्फ़ की, कितनी बर्फ़ गिरती होगी यहाँ पे सोचो, और उस टाइम सर्दियों में यहाँ पे टेम्परेचर होता होगा -20-25 डिग्री, नाक बहने लगी है थोड़ी थोड़ी। और ये आया शू, अय हाय, मज़ेदार 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 शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। अरे क्या हुआ इस ट्रक को, किसी ने यहीं दफन कर दिया क्या भाई? आई थिंक यहाँ से सरचू अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बारालाचा पास भी हमने क्रॉस कर लिया है, उसके बाद हम थोड़े आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से एक्सपेक्टेडली सरचू मेरे हिसाब से 30-35 किलोमीटर होगा।